और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और शिक्षा मंत्री महबूब अली की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। कई और मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि, इसकी अटकलें पहले भी लगाई जा रही थी, क्या कुछ इसके पीछे कारण दिया जा सकता है, क्यों उनकी छुट्टी हो सकती? देखिए, गायत्री प्रजापति का जहां तक सवाल है, लोकायुक्त ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मामला दर्ज कर लिया है और महबूब अली जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच कर रहे हैं। उनके ऊपर भी आरोप है कि स्कूल को मान्यता देने, बोर्ड के सेंटर्स बनाने में उन्होंने धांधली की है। तो समाजवादी पार्टी में एक बड़ा धड़ ऐसा है नेताओं का जिनका मानना है कि मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा संदेश जा रहा है कि सरकार भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रही है। लेकिन पार्टी के कुछ बहुत सीनियर लीडर्स हैं जो ये कार्रवाई नहीं चाहते हैं और अटकलें इसीलिए लग रही हैं कि ये दोनों की छुट्टी हो सकती है, कुछ मंत्रियों को विभाग बदले जा सकते हैं। और अभी अखिलेश सरकार में चार मंत्रियों के जगह खाली है। पिछले साल चार मंत्रियों को मंत्री पद से हटा दिया गया था, उसके बाद नए मंत्रियों की तैनाती नहीं हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ नए मंत्री भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसका हाँ ना में जवाब देकर ना देकर ये कहा कि आपको कैसे पता चल जाता है। तो साफ तौर पर सरकार कुछ नहीं कह रही है, लेकिन ऐसी अटकलें काफी तेज हैं कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। जी, यानी कि फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दो की यहाँ पर कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं चल रही है कि दो मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और मंत्रिमंडल में एक फेरबदल भी हो सकता है।